जंगली करेले के बीज निकाल देंगे, अगर आप खाते हो तो रहने दीजिएगा, नहीं तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं हल्दी और नमक डाल रही हूँ। हल्दी और नमक को इसके ऊपर छिड़काव करके और ढक्कन लगा कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी नमक और हल्दी से। तीन प्याज लिए हैं और एक लहसुन का गांठ लिया है, इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और अब इनको मैं काट लूँगी।
जंगली करेलों को मैंने दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। अब करेले की सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी और उसमें डाल दूँगी सरसों का तेल। तीन से चार कले लहसुन की कलियाँ छोटी छोटी करके बघार में लगा दूँगी और आधा चम्मच जीरा का लगा दूँगी। जब जीरा और लहसुन अच्छे से चटक जाए, ब्राउन हो जाए, तब मैं इसमें करेले डाल दूँगी। करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में। जंगली करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। करेलों को मैंने फ्राई करके बाहर निकाल लिया। इसी तेल में अब मैं काटे हुए प्याज डाल दूँगी। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं तो अब इसमें डाल दूंगी एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर और अब टमाटर काट देंगे। साथ ही में दरदरा पिसा हुआ लहसुन डाल दूंगी। अब इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, बिना पानी के ही सारे मिर्च मसाले भून लूंगी और लहसुन भी एकदम धीमी आंच में बनाऊंगी इनको। अब मैं दो तीन मिनट टमाटर और प्याज को मिर्च मसाले के साथ में अच्छे से भून लिया है और अब मैं करेले डाल दूंगी। तीन चार मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे।
हम करेलों में नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाकर दो मिनट के लिए ढक्कन लगाकर और छोड़ देंगे धीमी आंच में। बिना कड़वाहट के करेले की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। करेले को मैंने निकाल लिया है, जला दिया है गैस, चढ़ा दिया है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो गया तो इसमें डाल दिया राई और जीरा। जीरा और राई अच्छे से चटक जाए तब डाल देंगे इसमें प्याज। प्याज सॉफ्ट हो गए तो अब इसमें तीखी वाली हरी मिर्च छोटी वाली डाल देंगे। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और 2-3 मिनट के लिए ऐसे चलाते हुए अच्छे से भून लूंगी आलू को। अब इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे। आलू को 2 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाएंगे ढक्कन लगाकर। इसमें डालने के लिए अदरक पीस लेती हूँ। आलू अच्छे से पक गए हैं तो अब इसमें टमाटर डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। पोहे को हम 2 पानी से धो लेंगे। मैं पोहे को तेज आंच में पकाती हूँ हमेशा, आप चाहो तो धीमा कर सकते हो। अब इसमें नींबू और हरा धनिया डाल देंगे।